इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इकबाल ने 100 बरस पहले बता दिया था कि ये मगरबी तहजीब, इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम है। जो उनका मशहूर शेर है, जो उन्होंने इब्लीस की मजलिस शूरा में कहा था कि फितना फर्दा मजदकियत नहीं इस्लाम है, कि आने वाले दौर में मगरबी तहजीब के लिए कम्युनिज्म खतरा नहीं होगा, इस्लाम खतरा होगा। क्योंकि ये जो तहजीब अब पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं, इसमें इस्लाम और दीन की कोई गुंजाइश नहीं। तमाम मजाहिब भी खत्म कर चुके हैं, यहूदियत को ज़ायनिज्म ने हाईजैक कर लिया, ईसाइयत खत्म हो चुकी है और सिर्फ इस्लाम एक वाहिद मजहब जिसकी इखलाकी अख्तार हैं, रूहानी अख्तार हैं, जिसका फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, जिसके पास एक आसमानी हिदायत मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है, सैयदी रसूलुल्लाह की सुन्नत मौजूद है, इनके पूरे निज़ाम के लिए यह सबसे बड़ा खतरा नजरिया इस्लाम, हमारा दीन। ये या मुसलमानों को चाहेंगे कि इनके नापाक, गलीज, जलील, लादीन कल्चर में जज्ब हो जाए। आपने देखा है फ्रांस किस तरीके से मुसलमान बच्चियों के हिजाब पर पाबंदी लगा रहा है, सरकारी और रियासती सतह के ऊपर मुसलमानों पर पाबंदी है कि फ्रांस में दीन पर अमल ना कर सके। इसी तरह आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जिस तरह जाके इन्होंने एक मस्जिद के अंदर उस आदमी ने जाके नमाजियों को शहीद किया और पूरी तबाही मचाई, ये नफरत न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कैनेडा तक फैली हुई है। ये पूरी मगरबी तहजीब के अंदर ये जहर है। आप ये नहीं कह सकते कि ये फर्द का इंफरादी मामला है। फ्रांस की हुकूमत और रियासत जो कर रही है इस्लाम के खिलाफ, वो कोई फर्द का मामला तो नहीं है, वो तो पूरी रियासत कर रही है। और किस तरीके से ये कानून बना रहे हैं कि अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मस्जिद के मीनारों पर पाबंदी है, मुसलमान बच्चियों के हिजाब पर पाबंदी है, मुसलमान फैमिली लंदन में, आज भी कल परसों वाकयात हुए हैं कि लंदन के अंदर मुसलमान फैमिली पर हमले किए गए। ये पूरी दुनिया में अब हो रहा है। इस्लामोफोबिया एक बाकायदा इनकी तहजीब का हिस्सा है। ये इस्लाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासतौर पर इस वक्त जबकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हों और इसके अंदर इन्होंने लेस्बियन और गेज और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना हो, तो इस्लाम ही सबसे बड़ी रुकावट है इनके नापाक और गलीज नजरिए के सामने। तो मुसलमानों की जिंदगी अजाब करेंगे यूरोप। आप सब जो लोग यहाँ से गए थे ये समझ करके, हम मगरब के अंदर एक पुरसकून जिंदगी गुजारेंगे और बड़ी तारीफें करते थे कि वहाँ टॉलरेंस है, अब उनको पता चलेगा कितनी टॉलरेंस है। यही ईसाई थे, यही ईसाई दुनिया थी, यही मगरबी तहजीब थी। 800 साल मुसलमानों ने टॉलरेंस के साथ स्पेन पर हुकूमत की, लेकिन जब इनकी हुकूमत आई तो 400 साल तक अंदलुसिया में किसी मस्जिद में अजान देने की इजाजत नहीं थी। एक एक मुसलमान को स्पेनिश इंक्विजिशन के नाम पर या ज़िबा कर दिया या ईसाई बना दिया या निकाल दिया। ये टॉलरेंस है इनकी। अब इनके चेहरे से नकाब उतर गया है और इन्होंने पूरी दुनिया में मगरबी, खासतौर पर मगरबी दुनिया में मुसलमानों के साथ वही सलूक करना है जो आप देख रहे हैं। ये शुरू होना, ये शुरू हो चुका है, ये रुकेगा नहीं है। लेकिन सर, ये आप ठीक बात करें, इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों के साथ वाकयात 2019 में जिस तरह स्वीडन के अंदर एक अफसोसनाक वाकया, नाउज़बिल्ला कुरान पाक को जलाने का, आतिश नज़र आतिश करने का, डेनमार्क के अंदर, फिर फ्रांस में एक पूरी सीरीज़ है तोहीन रसालत की, वो चलती रही, कैनेडा के अंदर अब ये वाकया हुआ है, न्यूजीलैंड की आपने बात कर दी। हमने जो हमारे एंड के ऊपर है मुस्लिम कम्यूनिटी का और मुसलमान ममालिक का, हमने भी तो उनको गुंजाइश नहीं दी, नफरत तो हमारे अंदर भी बड़ी ज्यादा थी और है भी शायद। देखिए वकास, इस वक्त तो अगर आप फैक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड देखें तो तमाम दूसरी तहजीबें इस्लाम पर हमले कर मुसलमानों को ज़िबा कर रही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये मगरब, आप रोहिंग्या को देखिए, रोहिंग्या मुसलमान एक खुद बर्मी सिविलाइजेशन के हाथों ज़िबा हो रहे हैं। आप चीन को देखिए तो चीन एक कम्युनिस्ट लादीन सेकुलर अपने आप को कहता है, उसमें उगर मुसलमानों की जिंदगी हराम की हुई है। आप इंडिया को देखें तो हिंदू सिविलाइजेशन है जिसमें मुसलमानों को तबाह बर्बाद, गुजर और गुजरात और खुद उनका वजीर आजम बना हुआ है। आप यहूदी सिविलाइजेशन को देखिए, फलस्तीन में यहूदी मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, और आप फिर ईसाई तहजीब को देखिए। इस वक्त पूरी दुनिया के दूसरी तहजीबें जितनी भी हैं वो सब इस्लाम से मुतसादिर हैं, हुजूर इस्लाम का नहीं है। हम जब मुसलमानों ने हुकूमत की है इन सारी तहजीबों के ऊपर तो हमने हमेशा टॉलरेंस के साथ की है। 1400 साल की इस्लामी तारीख में कोई एक वाकया नहीं है
कि मुसलमानों ने ईसाइयों का जेनोसाइड किया हो या मुसलमानों ने यहूदियों को मारा हो इसलिए कि वो यहूदी हैं, या हिंदुओं को, अगर हमने हजार साल हुकूमत की है वरना हिंदुस्तान में तो एक हिंदू बाकी ना रहता अगर हम तलवार से सीधा करते हैं, तो मुसलमानों ने तो नहीं किया। ये इनकी तहजीब के साथ प्रॉब्लम है, इनके इनको इस्लाम से नफरत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ इस्लाम एक वाहिद हिदायत का रास्ता रह गया है, बाकी तमाम मजाहिब शैतानी आमेजिश से गुमराह हो चुके हैं, मखदूब अलैहिम है वलद्दालीन, उनका मुकाबला तो इस्लाम से होना चाहिए। तो सर अब हम करें क्या? आपने जैसे खुद कहा कि मुसलमान और ज़्यादातर जो ईस्टर्न मुसलमान और गुरबत वाले इलाके वहाँ से लोग जाना छोड़ दें, जाके वेस्ट में रहना छोड़ दें, करें क्या? और जो वहाँ पर कम्युनिटी है वो किस तरह खुद को प्रोटेक्ट करें? अगर यूके के अंदर चाकूजनी के वाकयात होंगे, ट्रक ड्राइवर जो हैं मुसलमानों के ऊपर ट्रक चढ़ा देंगे, करें क्या? देखिए यही बात है कि अब आपने जब पसंद किया है अपनी मर्जी से मगरब में जाकर रहना और आपकी दो नस्लें वहाँ पैदा हो चुकी हैं, तो फिर आप वहां के सिस्टम के मुताबिक मजाहमत कर सकते हैं जो वहां के कवानीन है, लेकिन वहां के कवानीन और निजाम ही तब्दील हो रहा है आपके खिलाफ, फ्रांस की रियासत में क्या मजाहमत करेंगे आप? मजबूर और गुस्सा मुसलमानों को आता है फिर वो दहशतगर्दी करते हैं, एक्ट ऑफ वायलेंस करते हैं, फिर मजीद रियासत सख्ती करती है, या मुसलमान खामोशी से मार खाते रहे, प्रोसिक्यूशन होती रहे। आखिर दुनिया में जैसे कहा हर जगह मुसलमानों की प्रोसिक्यूशन हो रही है, इंडिया में भी हो रही है, इंडिया के मुसलमान कहीं जा नहीं सकते, वही बैठ के मार खा रहे हैं, वो मजाहमत भी नहीं कर सकते। यही मामला है कि जब रियासत और ताकत, जब हुकूमत गैर मुस्लिमों की हो, इसीलिए मुसलमानों को मना किया गया है कि दारुल इस्लाम से हिजरत करके दारुल कुफर में ना जाओ, चाहे कितनी ही लालच तुमको माशी फायदों की मिले। 1400 साल की इस्लामी तारीख में ये नहीं होता था कभी, मुसलमान अपने मुसलमान इलाकों से निकलकर काफरों, यहूदियों और ईसाइयों के इलाकों में जाकर आबाद हो जाया करते थे, अपने बच्चों को उनके माहौल में बड़ा करते थे, ऐसा नहीं होता। ये पिछले 100 साल के वाकयात, पिछले 100-150 साल में ये शुरू हुआ, 1300 साल की इस्लामी तारीख में उससे कबल ऐसा नहीं होता। तो ये नया फिनोमेना, ये कोई ऐसी इस्लाम की फिकह की किताबों में और इस्लाम की दीन में और इस्लाम की तारीख में इसकी मिसालें नहीं मौजूद, मौजूद ही नहीं। अब मुसलमान क्या करें? आपने अपनी मर्जी से दारुल इस्लाम छोड़कर दारुल कुफर को सेलेक्ट किया सिर्फ माशी फायदों के लिए, ज्यादा 99% मुसलमान माशी फायदे के लिए गए, उसकी भारी कीमत है जो आपको अदा करनी पड़ेगी। आपका दीन हाथ से जाएगा, आपकी तहजीब तमद्दुन सकाफत जाएगी, आपके बच्चे आपकी जबान नहीं जानेंगे, आपकी तहजीब और कल्चर से आप अलग हो जाएंगे, ना आप मगरिब के रहेंगे ना मशरक के रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे ना ईसाई बन सकेंगे। ये अजाब तो है जब मुसलमान अपने इलाकों से हिजरत करके कुफार के इलाकों में बसते हैं, इसकी कीमत तो आने वाली नस्लों को अदा करनी पड़ती है, जो अब हो रही है, यही हो रहा। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ आपने इस वीडियो में देखा जैद हामिद, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, चीख चीख कर झूठ बोलते हैं और उस झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। अब आप देख सकते हो उसने किस किस तरीके के वर्ड यूज़ करे हैं, दारुल कुफ्र, दारुल इस्लाम, मतलब इस्लामिक देश में रहो या कुफ्र देश में रहो, अरे तो तुम्हारा पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहाँ से तुम छोड़कर कुफ्र देश में क्यों जा रहे हैं तुम्हारे लोग? उसका रीज़न ये है कि वो पढ़ने लिखने या अपने बच्चों का एजुकेशन, उन्हें भी सोचना है कि वो आगे जाकर और कुछ करें, पाकिस्तान में रहेंगे तो क्या करेंगे, आपको भी पता है क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और गाइज़ यहाँ पर ये जैद हामिद बस एक ही आज तक हिस्ट्री है 1400 साल की कि हमने किसी के ऊपर जुर्म नहीं किया, मतलब दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठ, और बिल्कुल ये झूठ ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते यार, एक एक मतलब पत्थर बताता है इंडिया का कि यहाँ पे मान लो आप जाओगे ना मंदिर तो वहाँ का पत्थर बता देगा कि कितना जुर्म हुआ है, मतलब अगर आप कुतुब मीनार देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 26-25 मंदिर, जैन मंदिर, हिंदू मंदिर को तोड़कर कुतुब मीनार बना दी, हर चीज़ में मतलब इनको वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या था और क्या हुआ है। तो वो क्या प्यार से करते थे क्या? मतलब प्यार से बोलते थे ये मंदिर तोड़ रहे हैं आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम लोग ये मंदिर तोड़ रहे हैं, इस मंदिर को तोड़कर हम अपना कुछ मस्जिद बना देंगे या अपना कुछ इसको लूट के ले जाएंगे, ऐसा कुछ प्यार से करते थे क्या? मतलब क्या हिस्ट्री में सब लिखा है, और ये मतलब ऐसा है कि उन्हीं के इतिहासकारों ने लिखा है जो मुस्लिम रूलर थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, तो ये तो मतलब रिटर्न में है। ये लोग बस बेवकूफ़ बनाएंगे अपने, इनके फॉलोवर भी बेवकूफ़ हैं, इसके बहुत सारे इंडिया में फॉलोवर हैं, इंडिया में इसका मतलब इसको आइडल मानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप इसके अगर जो मतलब ट्विटर वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके नीचे देख लेना आप, इंडियन फॉलोवर भी हैं इसके बहुत ज़्यादा, और ओरिया मकबूल जान के भी बहुत सारे इंडियन फॉलोवर हैं, इंडियन मुस्लिम की बात कर रहा हूँ मैं।
तो गाइस इन जैसे लोगों की अब बस हजार साल हुकूमत, अरे हजार साल मतलब यार हजार साल कुछ एरिया पे की होगी पर्टिकुलर, और वो भी एरिया पे भी इतने अच्छे से नहीं की होगी। मतलब इंडिया कितना बड़ा है आपको भी पता है, मुगल एम्पायर अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ पे ये लोग सोचते हैं कि मुगल एम्पायर थी, मुगल एम्पायर केवल दिल्ली बस में थी बाकी एरिया में नहीं थी, उसके पहले भी आप चले जाओ। मतलब अब मैं तो हिस्ट्री बताने वाला नहीं हूँ, आप खुद रिसर्च करके देख लो। हज़ार साल की हुकूमत, वो एक हज़ार साल का एक इन्होंने वो माइंड सेट सेट किया है, और उसके अलावा हमने एक भी जुर्म नहीं किया है, ये वो कुफ्र फलाना ठिकाना, और बस अपनी गलतियाँ कभी नहीं बताएंगे, ये कभी नहीं बताना चाहते। बस दूसरा, अब सामने वाला एक्शन का रिएक्शन कर रहा है, सीधी सी बात ये है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें ओरिया मकबूल जान कह रहा था कि बाइबल में लिखा है कि ये जो मतलब दूसरे लोग हैं इनको मारो, इस तरीके की बात है ओरिया मकबूल जान कर रहा था। और आपको भी पता है रियलिटी क्या है, सबको सब कुछ पता है। तो गाइज अब इनके बारे में क्या कहूँ मैं, हालाँकि जो कैनेडा में उस परिवार के साथ हुआ वो तो गलत हुआ है, डेफिनेटली वो टहल रहे थे और आकर उनके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उनको मार दिया। दोस्तों अगर ये वाक्या किसी इंडियन के साथ हुआ होता तो इंडियन कभी भी धर्म का इस्तेमाल नहीं करता कि उसे हिंदू होने की वजह से मारा गया। आपको बता दें कि इंडियंस के साथ ऐसा बहुत होता आ रहा है पश्चिमी देशों में, ऑस्ट्रेलिया में आपको याद होगा आज से 10 साल 15 साल पहले 2010 में उस समय इमरान हाशमी की एक मूवी भी बनी थी इसी टॉपिक के ऊपर कि इंडियंस को ऑस्ट्रेलिया में मारा जाता है। तो दोस्तों अब तो खैर इंडियंसों के ऑस्ट्रेलिया में जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मतलब ऐसे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लोग जो वहाँ के हैं वो इंडियंस को, आपको भी पता है कि वो ऑस्ट्रेलियन जैसा तो ट्रीट नहीं करेंगे। या जो यूके में है, कैनेडा तो एक ऐसा देश है जहाँ पर मतलब टॉलरेंस लेवल बहुत मतलब इतना जो दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में ये गलत है। कैनेडा तो एक बहुत मतलब ऐसा इनटॉलरेंट कंट्री मैं कहना चाहूँगा नहीं है। तो गाइज जो यूएस में भी आपने देखा कई बार न्यूज़ आती है कि इंडियंस को मारा गया, सिख कम्युनिटी के लोगों को मारा गया, तो ये तो होता रहता है, लेकिन इंडिया ऐसा नहीं करता कि इसमें हिंदू फोवेक या ये वो फलाना ठिकाना, वो रहता है, वो उनका रेसिज्म बेस्ड ये घटनाएं होती हैं और ये होता आ रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि रेसिज्म चाहे वो इंडिया हो चाहे दुनिया का कोई भी देश हो चाहे वो कोई भी धर्म हो उसके अंदर रहता है रहेगा, ये आप इससे मतलब इस सच से आप दूर नहीं भाग सकते। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।